नवगछिया कोविड 19 नियमों के उल्लंघन को लेकर नवगछिया शहर की दो दुकानें हुई सील। एसडीओ एवं एसडीपीओ ने शहर में चलाया सघन चेकिंग अभियान। नवगछिया में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन द्वारा सख्ती बढ़ा दी गई है। प्रशासन स्तर पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को नवगछिया शहर में एसडीओ अखिलेश कुमार, एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी ने कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन किए जाने को लेकर नवगछिया शहर की दो दुकानों को भी सील किया है। इस दौरान पदाधिकारी ने बिना मास्क के शहर में गतिविधि करने वाले व्यक्तियों को जुर्माना भी किया है। नवगछिया शहर के एक मोबाइल दुकान एवं एक कपड़े की दुकान को सील किया गया है। एसडीओ अखिलेश कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, इस स्थिति में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। जिस तरह से शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, यह चिंतनीय है। उन्होंने कहा कि लोगों को कोविड 19 के नियमों का पालन करना होगा, तभी इससे बचाव संभव है। वहीं एसडीओ ने कहा कि प्रशासन स्तर से लगातार यह अभियान चलाया जाएगा और कोविड 19 के नियमों के उल्लंघन करने वाले दुकानें को सील कर दी जाएगी और बिना मास्क के गतिविधि करने वालों को जुर्माना किया जाएगा। वहीं नवगछिया एसडीओ ने कहा कि शहर में चेकिंग अभियान के दौरान दो दुकानों को कोविड 19 के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। कोविड नियमों के उल्लंघन करने वाले दोनों दुकान को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही दुकानदारों को अपनी दुकान पर मास्क लगाकर रहने और बिना मास्क के जो लोग आते हैं उसे सामान नहीं बेचने की बात कही है। वहीं शहर में चलाए गए चेकिंग अभियान में प्रशिक्षु डीएसपी अशोक कुमार, पुलिस निरीक्षक मार्कंडे सिंह, नवगछिया थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह, रंगरा थानाध्यक्ष महताब खान सहित पुलिस बल शामिल थे। अरे अंकल बिना मास्क के हैं सर, बन गया सर, दोनों आदमी हैं। मास्क चेकिंग तो मूलतः लोगों को जागरूक करने का ही उद्देश्य है कि लोग जागरूक हों, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कोविड 19 का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। मास्क पर चेकिंग का तो यही अभियान जो है उसका उद्देश्य यही है। साथ में आज कोविड का जो प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, उसमें दो दुकान भी सील की गई है, इसलिए एक मोबाइल का स्टोर रूम है और इस कपड़े का दुकान। किस तरह से हिदायत दी गई है हम लोगों की या दुकानदार से, किस तरह के निर्देश? ये 25 दिन हम लोग का अभियान रहेगा, अगर लोग मास्क नहीं लगाएंगे तो फाइन होगा, दुकान सील होगा। चलाएगा इसके बारे में क्या करना चाहिए? एसडीओ साहब के नेतृत्व में हम भी साथ में थे, दोनों आदमी के नेतृत्व में आज मास्क चेकिंग अभियान हम लोग चलाए। और अभी जो रिपोर्टिंग हो रही है उसके अनुसार कोरोना का केसेस काफ़ी बढ़ गया है। लोगों को जागरूक करने का मुख्य उद्देश्य है वो मास्क का यूज़ करें, आदत डालें कि हरदम मास्क का यूज़ करें और बिना जरूरत घर से निकले नहीं। कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार में 7 बजे दुकानें बंद हो जानी हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि स्वतः कहने का जरूरत नहीं पड़े, स्वयं से अपनी दुकानें 7 बजे बंद कर दें और मास्क लगाएं, क्योंकि मास्क नहीं लगाएंगे वो खुद बीमार होंगे, अपने परिवार को बीमार करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को जागरूक करने के प्रयास किए हैं और ये अभियान लगातार चलता रहेगा, लोगों को मास्क लगाना ही पड़ेगा। कितना फाइन किया, क्या सर? लगभग 50 लोगों के ऊपर में फाइन किया गया है जब ये हमारा अभियान चल रहा है उसमें, और दो दुकानों को सील की गई है और बाकी लोगों को हिदायत दी गई है कि आप सभी लोग मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, जो लोग मास्क लगा के नहीं आते हैं उनसे कपड़ा या कोई भी सामान न बेचें, और यदि ऐसा करते हुए पाए जाएंगे बिना मास्क के खरीदारी होती रहेगी तो हम लोग फाइन करेंगे। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो अभी हाल फिलहाल में हम लोगों का अभियान चलता रहा है जिसका प्रभाव ये है कि लगभग 99% लोग मास्क का यूज़ करना शुरू कर दिए हैं, ये अच्छी खबर है हमारे लिए। आगे किस तरह से इसको और जागरूक करना? और लोगों को जागरूक करेंगे, जो 1-2% लोग बचे हुए हैं उनको भी जागरूक करने का प्रयास करेंगे। किसी कारण बस कोई लोग का मास्क छूट जाता है, उनसे अनुरोध किया गया है कि आप एक्स्ट्रा मास्क लेके चलें, अगर एक छूट जाए तो पॉकेट से लगा के निकाल के दूसरा मास्क यूज़ करें,
नहीं हो रुमाल यूज़ करें, गमछी यूज़ करें, लेकिन अपने आप को बचाएं।